प्रतापगढ़ में अराजक तत्वों ने हनुमान मंदिर के पुजारी के आश्रम में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि आग लगने से पुजारी की पूरी गृहस्थी जलकर राख हो गई। पीड़ित महात्मा बाल योगी महाराज का आरोप है कि अराजक तत्वों ने जमीन हड़पने की नियत से आश्रम में आग लगाई। पूरा मामला प्रतापगढ़ के कुंडा कोतवाली क्षेत्र के संकट मोचन धाम में श्रदयापुर का बताया जा रहा है। सोनभद्र पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक नफर अंग्रेजी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार किया। सूचना अनुसार एक बोलेरो से अंग्रेजी शराब व बियर लाई जा रही थी, जिसकी अनुमानित कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही। पुलिस तस्करों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। रायबरेली में रोडवेज बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में बस ड्राइवर सहित 2 घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। हादसे का कारण बस के रॉन्ग साइड से आने जाने की वजह से होना बताया जा रहा है। रायबरेली के लालगंज कोतवाली के सेम्बसी गाँव की पूरी घटना बताई जा रही है। संभल में खड़ंजा निर्माण के दौरान मिट्टी में चांदी के सिक्के मिलने से हड़कंप मच गया। सिक्कों को कब्जाने की ग्रामीणों व काम करने वालों में होड़ लग गई, जिसके जो सिक्के हाथ लगे वो लेकर भाग गया। मिट्टी में मिले सिक्के मुगल कालीन चांदी के सिक्के बताए जा रहे हैं। गांव के चौकीदार द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। गांव के चौकीदार के अनुसार ठेकेदार 1 किलो 300 ग्राम चांदी के सिक्के लेकर चला गया। कुछ सिक्के पुलिस ने बरामद भी किए। तो यहाँ पुलिस भी आई थी, कितना है लगभग? लगभग 1 किलो 300 ग्राम तो उसको दिया है चौंधी ठेकेदार को, ले गया तोल के दो के और बाकी ये मोहल्ले वालों को। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है वो ठेकेदार? जो ठेकेदार कूड़े के रहने वाला है, सोमी नाम है। अच्छा, जी हाँ, कार्यकर्ता था जी। और आपके संरक्षण काम हो रहा है? हाँ। घने कोहरे के कारण बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 3 ट्रक आपस में टकरा गए। विजिबिलिटी कम होने के कारण यह हादसा हुआ है। भिड़ंत के बाद ट्रकों में आग लग गई। ट्रक ड्राइवरों ने कूद कर अपनी जान बचाई। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ट्रकों की भिड़ंत और आग लगने की सूचना मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायल ड्राइवरों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बरेली में देर रात इज्जतनगर थाना क्षेत्र की अहलादपुर पुलिस चौकी के पास अज्ञात बदमाशों ने मां बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। डबल मर्डर की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। हत्या की वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की सूचना पर आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि मृतक ने 6 महीने पहले हाईवे पर नर्सरी का कारोबार शुरू किया था। मौके पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। लखनऊ में खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र पुरस्कार राशि वितरण कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर ने सीएम योगी आदित्यनाथ को नियुक्ति पत्र सौंपा। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में मौजूद रहे। पदक विजेता खिलाड़ियों को सीएम योगी ने सम्मानित किया। 189 खिलाड़ियों को 62 करोड़ की पुरस्कार राशि भी दी गई। हमीरपुर में पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण को लेकर प्रदर्शन। सड़कों पर नारेबाजी करते हुए अटेवा ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन। अटेवा पेंशन बचाओ मंच के बैनर तले किया गया सड़कों पर प्रदर्शन। मुख्यालय के प्रमुख मार्गों से विरोध प्रदर्शन करते हुए निकाली रहे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान, नीतीश कुमार के एनडीए में जाने पर बोले, यहाँ कोई सुखबुगाहट नहीं। हमें उम्मीद है कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे। नीतीश इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। ये कोई सुखबुगाहट नहीं है। हमें उम्मीद है कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे। नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। बिगुल बहुत पहले बज चुका, सुना नहीं तुमने? बिगुल तो पहले बजा, तुम्हारे कानों तक आवाज नहीं आई, पता नहीं क्यों। सीतापुर में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का बयान, कहा, जो गौ माता को कष्ट देंगे वह कभी खुश नहीं रह सकते। स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनके सवालों का जवाब राजनीतिक व्यक्ति ही देगा। अब तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि भगवान श्री राम विराजमान हो गए हैं, अब हमारी जो गौ माता है उनको सम्मान देने की आवश्यकता है। और इसीलिए संतों ने गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठित करने का आंदोलन आरंभ किया है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये कार्य हो, गौ माता राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठित हों और उनको अभय पूरा देश प्रदान करे। सहारनपुर में प्रताप मेडिकल स्टोर में घुसी मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल चालक कर रहा था स्टंट। मेडिकल स्टोर का काउंटर टूटकर हुआ चकनाचूर, मेडिकल स्टोर संचालक को आई गंभीर चोट। सहारनपुर के सदर बाजार क्षेत्र के हकीकत नगर का है पूरा मामला। मेरा मेडिकल प्रताप मेडिकल के नाम से है, बड़े चौक हकीकत नगर में। अभी क्या था कि मैं यहाँ पर बैठा था, 3 लड़के इधर से सामने से आए और सामने से आने के बाद में यहाँ पर सामने पहले तो उन लोगों ने, तीनों लड़कों ने इस लड़कियों को देखकर स्टंट किया, जो कि हमारे सीसीटीवी कैमरे में भी आ रहा है। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि जैसे ही वो स्टंट किया तो मैं यहाँ पर बैठा था, तो एकदम से उन्होंने सडनली तेजी से बाइक चलाई कि सीधे आके मेरे
पूरे के पूरे मेडिकल में अंदर घुसा दी। घुसाने के बाद उन्होंने जो है ना मुझे मारने की तरीके से ही एक हमला किया है और मेरे सीधे सिर में चोट लगी है और यहाँ पर भी मेरे पूरे चोट लगी है। आगरा में होम्योपैथिक जगत में अपनी अलग पहचान रखने वाले डॉक्टर RS पारिक को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पद्मश्री सम्मान मिलने की घोषणा के बाद से परिवार में खुशी की लहर और उत्साह है। परिजन एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। अपने संघर्ष से होम्योपैथिक को देश विदेश में पहचान दिलाने वाले डॉक्टर RS पारिक को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसकी जो अनवरत थी, मेहनत थी, उसको रिकॉग्नाइज किया गया, पैथिक को रिकॉग्नाइज किया गया। इसको मैंने एक साधारण पैथिक के स्तर से एक उच्च वैज्ञानिक स्तर तक पहुंचाने की कोशिश करी और उसका प्रभाव यह हुआ कि पूरे देश में ही ये पद्धति जो है वैज्ञानिक तरीके से मान्यता प्राप्त करके चली गई। चिकित्सकों का मान बढ़ा, उनको एक मार्गदर्शन मिला। मेरे घर में ही जो मेरे पुत्र जो है बड़े वाले बेटे हैं वो वेल क्वालिफाइड होकर के प्रैक्टिस करने लगे और अपनी प्रैक्टिस को इतने ऊंचे लेवल के ऊपर ले गए कि विश्व में जो हमारा एक संस्था है इंटरनेशनल होम्योपैथिक लीग, पूरे विश्व की एक संस्था है, उसके सारे मेंबर्स हैं हर कंट्री के जो है, उसका अब तक जो है यूजुअली जो अध्यक्ष होता था इंटरनेशनल प्रेसिडेंट वो या तो अमेरिका से होता था या जर्मनी से होता था या इंग्लैंड से होता था और मुझे बड़ा गर्व है कि वो पहले भारतीय थे जो इंटरनेशनल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने। अयोध्या जोन के IG प्रवीण कुमार ने कहा, यहाँ भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, कल भी 3 लाख से अधिक लोगों ने दर्शन किए। हम सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा रहे हैं, प्रशासन द्वारा भी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई। देखिए दर्शन लगातार भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, कल भी लगभग 3.25 लाख लोगों ने दर्शन किया है हेड काउंट के हिसाब से और हम लोग लगातार सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा रहे हैं। आज भी भारी संख्या में लोगों का आया क्योंकि आज सैटरडे संडे भी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी काफी संख्या में लोग आने की सूचना प्राप्त हुई है, तो सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और लोग व्यवस्था के लिए सुदृढ़ है। ठंड है और ठंड को लेकर के सभी आवश्यक व्यवस्थाएं प्रशासन ने की है। हम लोगों ने अपनी तरफ से फिर भी एक आग्रह किया था कि बूढ़े लोग हैं, हमारी माताएं हैं जो अशक्त हैं, ये थोड़ी ठंड के बाद आए तो उसके क्रम में लोगों आप लोगों के माध्यम से भी अपील करा रहे हैं कि इस भीषण ठंड को देखते हुए एक आध हफ्ते बाद आना श्रेयस्कर होगा, लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनको साष्टांग सम्मान करते हुए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भयानक सड़क हादसा हो गया। घने कोहरे के चलते 4 वाहन आपस में टकरा गए। सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। एक्सप्रेसवे पर क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से हटाया गया। ग्रेटर नोएडा के देवर थाना क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे की यह पूरी घटना बताई जा रही है। डबल मर्डर से दहला बरेली, मां बेटी की गोली मारकर हत्या से इलाके में मची दहशत। पास की नर्सरी के पास मां बेटे के शव हुए बरामद। पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस बरेली के इज्जतनगर के अहलादपुर चौकी क्षेत्र के गांव लालपुर का बताया जा रहा पूरा मामला। समय लगभग 8:40 पर थाना इज्जतनगर के अहलादपुर चौकी के गांव लालपुर के पास एक नर्सरी में सूचना प्राप्त हुई कि वहां 2 शव बरामद हुए हैं। इनकी जब शिनाख्त की गई तो इनकी पहचान पड़ोस के ही धारा गोडिया गांव के एक महिला जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है और उसके बेटे जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष है उनके रूप में हुई है। शव को बरामद करके पंचायतनामा की कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मृतका के पति द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मृतका के पति द्वारा 2 व्यक्तियों पर शक जाहिर किया गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी उनकी लगभग 15 से 20 दिन पहले शादी तय हुई थी जो रिसेंटली ही टूट गई थी और लगभग 1 सप्ताह पूर्व उनसे उनकी कहा सुनी और झड़प भी हुई थी। मृतका के पति द्वारा अपनी तहरीर में अंकित किया गया कि जिन व्यक्तियों पर उसने शक जाहिर किया है उन्होंने ही उसको मारा है। प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और थाना इज्जतनगर पर अग्रिम कार्रवाई का निर्णय लिया जा रहा है।
फरुखाबाद में महादेश्वर दास कंसन हुआ समाप्त। माघ मेला नाम नगरिया के महान संत बाबा गुरु का भी आया बयान। कहा किसी भी संत महात्मा का नहीं होना चाहिए नाता। किसी संत महात्मा का बैनर पोस्टर फाड़ना संतों का है अपमान। रोल जाम करें हम इस मेला में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम शासन से भी ये कहेंगे किसी पक्षपात न किया जाए। यहाँ पर शांति बनाने का प्रयास किए और यहाँ पर न कोई मालिक है न यहाँ कोई मुखिया है। जो गंगा जी यहाँ की मालिक है रामनगरिया, और यहाँ की समिति जो है वो हमने शासन के साथ जो भी रजिस्ट्रेशन थे इसमें समिति के वो सदस्य शासन के साथ हैं और वो शासन के साथ में है। शासन ने देख रहे शासन इतना विकास कर रही है। इस साल सबसे अच्छा मेला सजाया उनने, सबसे अच्छा निर्माण किया, सबसे अच्छा यहाँ समतल जमीन का किया। बढ़िया बढ़िया उनने संतों को समय पर हर नल की सुविधा लैट्रिन की सुविधा तो साधन सब व्यवस्था कराई। और ऐसे आप उसमें किसी का बैनर पाड़ हो, किसी से लाठी हो, किसी की लड़ाई हो, किसी का दंगा हो, रोड जाम करें तो हम इसको साफ बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। आगरा में पुलिस की नामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 के नामी गुलफाम के पैर में गोली। आरोपित गुलफाम हत्या के मामले में वांछित था। अभियुक्त के पास से बाइक, तमंचा, कारतूस और हत्या में प्रयुक्त पाना बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपित को इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है। ट्रांस यमुना में सूचना मिली कि हत्या और लूट का एक मुलजिम गुलफाम जो दिसंबर में एक व्यक्ति की हत्या कार्य करके और भैंस की लूट के मामले में वांछित चल रहा था वो शहादरा पुल के पास से गुजर रहा है। इस सूचना पर थाना ट्रांस यमुना पुलिस ने जब पिकेट लगाकर अभियुक्त को रोकने की कोशिश की तो इसने पुलिस टीम पर फायर किया और आत्मरक्षा में फायर अभियुक्त घायल हुआ। अभियुक्त के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम पहले से चल रहा था और घायल अभियुक्त को एसएन मेडिकल कॉलेज में प्राथमिक उपचार के लिए एडमिट कराया गया और मौके पर फील्ड यूनिट में जाकर मौके की पड़ताल भी की। थाना ट्रांस यमुना पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक इलीगल वेपन, कुछ राउंड्स और आला कत्ल बरामद हुआ है। पीलीभीत के बिरसंडा थाना क्षेत्र के गांव गोहनिया निवासी बुजुर्ग महिला के घर में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग लगने से घर में सो रही बुजुर्ग महिला की जलकर मौत हो गई। उसके परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भर शव परिजनों को सौंप दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि सर्दी से बचने के लिए आग जलाने के कारण यह हादसा हुआ। आग ही लग गई थी घर में, उसी में दादी जल के खत्म हो गई। आग बुझाने के लिए कैसे बुझाई? बुझाने के लिए मशीन आई थी आग बुझाने वाली और पुलिस वाले भी आए थे। तो दादी आपकी एक्सपायर हो गई? हाँ, खत्म हो गई पूरी तरह।